पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कातिलों का पता अभी तक नहीं चला है। हाँ, पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन साजिश के सूत्रधार तक उसके हाथ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इस बीच पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि लॉरेंस बिश्नोई पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहा और उसने मूसेवाला हत्याकांड में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। एक कत्ल, 3 गाड़ी, 7 शूटर, 30 गोलियां, 7 के 7 किरदार। सीसीटीवी की यह तस्वीर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के चंद सेकंड पहले की है। पंजाब के मानसा में सड़क बिल्कुल खाली है। तारीख है 29 मई यानी रविवार और वक्त है शाम के 5:21:10 का। इस सड़क पर ठीक 10 सेकंड बाद सिद्धू मूसेवाला की थार गुजरती हुई दिखाई देती है। थार के पीछे एक सफेद गाड़ी जाती दिखी। मूसेवाला की थार आगे जाकर जैसे ही बाएं मुड़ी, ठीक पीछे सफेद रंग बोलेरो तेजी से थार का पीछा करती हुई दिखाई देती है। बोलेरो गाड़ी के बाएं मुड़ते ही गोलियां चलने की आवाज सुनाई देने लगती है। पुलिस के मुताबिक सफेद रंग की कोरोला सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी का पीछा कर रही थी। कोरोला के अलावा सफेद रंग की बोलेरो और ग्रे रंग की स्कॉर्पियो ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग की और 30 से ज्यादा गोलियों ने थार में बैठे सिद्धू मूसेवाला की जान ले ली। पुलिस साजिश के सुराग तलाश रही है और इस साजिश में एक के बाद एक नए किरदारों की एंट्री हो रही है। जांच में अब तक साजिश की जो सुई घूम रही है उसके मुताबिक हत्या की साजिश कनाडा में गोल्डी बराड़ ने रची। तिहाड़ जेल से लॉरेंस बिश्नोई ने हत्याकांड को अंजाम दिलाया। शाहरुख नाम के अपराधी ने रेकी की थी। मंडोली जेल में बंद काला जठेड़ी और काला राणा ने लॉरेंस की मदद की। पंजाब की फिरोजपुर जेल में बंद मनप्रीत मन्नू का नाम भी साजिश में शामिल है। शक है कि बठिंडा जेल में बंद शरद भी इस हत्याकांड में शामिल है। पंजाब पुलिस ने मनप्रीत मन्नू और शरद को जेल से लाकर गिरफ्तार किया है तो तीसरे आरोपी मनप्रीत भाव को उत्तराखंड से पकड़ा है। तीनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बताए जा रहे हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ जेडे साथी है, उन्होंने असी दो दोषियों प्रोडक्शन वारंट लेके आए ते उन्होंने 6 दिन का जेड़ा रिमांड साडे कोल है। इस तो अलावा एक जेड़ा होर दोषी है पुलिस लॉरेंस को रिमांड पर लेने और गोल्डी बराड़ को कनाडा से भारत लाने की तैयारी में जुट गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 शूटरों की पहचान भी कर ली गई है। जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब के अंडरवर्ल्ड में समीकरण बन रहे हैं उससे गैंग वॉर की आशंका तेज हो गई है। सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लेने के लिए विक्की डोंगर, बम्बीहा गैंग और नीरज बवाना गैंग खुलकर सामने आ गए हैं। अब नीरज बवाना गैंग की ओर से फेसबुक पर बदले की बात लिखी गई है। नीरज बवाना दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। कहा जाता है कि नीरज बवानिया ने पिछले दिनों ही पंजाब के 3 बड़े गैंगस्टर से गठबंधन किया था। इसी गैंग के 12 गैंगस्टर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, जिनमें से 3 शूटर ने विक्की डड्डू खेड़ा की हत्या की बात कबूल की थी। विक्की डड्डू खेड़ा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी माना जाता था। पंजाब के अंडरवर्ल्ड में कहा जाता है कि विक्की के हथियारों को मूसेवाला ने पना दी थी और इसी का बदला लेने के लिए लॉरेंस गैंग ने मूसेवाला की हत्या कर दी। बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। अब नीरज बवाना गिरोह लॉरेंस से बदले की बात कर रहा है। बाबा, बाबा। सिटी
ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਸੱਟੇ ਹਾਂ कुड़िया सट्टी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कुड़िया सट्टी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।